ग्वालियर सीबीआई की विशेष अदालत ने दो चिकित्सकों को जुर्माना सहित 4 साल की सजा सुनाई है। असल में दो चिकित्सकों को 9 साल पुराने प्री पीजी एग्जाम मामले के फर्जीवाड़े के लिए सजा मिली है। पुलिस को भेजे गए एक अज्ञात व्यक्ति के पत्र ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था, जिसमें बताया गया था कि 2009 में हुए प्री पीजी एग्जाम में डॉक्टर आशुतोष गुप्ता की जगह एक पेपर सॉल्वर ने एग्जाम दिया है। सॉल्वर के एग्जाम देने का इंतजाम डॉक्टर पंकज गुप्ता के जरिए किया गया था। काम के बदले आशुतोष ने 15 लाख रुपए डॉक्टर पंकज गुप्ता को दिए थे। इनमें कुछ पैसे डॉक्टर पंकज गुप्ता ने कमीशन बतौर अपने पास रख लिए थे और बाकी पैसे सुरेंद्र वर्मा को दे दिए थे। इसके बाद डॉक्टर आशुतोष ने ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। मामला ये था कि वर्ष 2009 में एक समाज सेवक मंगू सिंह ने पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को इस आशय का एक आवेदन दिया, लिखित आवेदन, कि उसको पक्का विश्वास है कि प्री पीजी 2009 की परीक्षा आशुतोष गुप्ता ने फर्जी तरीके से पास की है व इस काम में उसकी मदद पंकज गुप्ता के द्वारा की गई है। उक्त आवेदन पर से पुलिस ने संज्ञान लेते हुए थाना झांसी रोड में अपराध पंजीबद्ध किया व विवेचना के दौरान उन्होंने आरोपी पंकज गुप्ता का धारा 27 साक्ष्य विधान अधिनियम का मेमोरेंडम लिया, जिसमें पंकज गुप्ता ने यह बात को कबूला है कि उसकी प्री पीजी 2009 के लिए आशुतोष गुप्ता से बात हुई थी, जिसमें 15 लाख रुपए में बातचीत हुई थी। वह ये तय हुआ था कि आशुतोष के स्थान पर किसी व्यक्ति को बिठाकर उसको परीक्षा पास कराई जाएगी।